वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 39 जो कि है 2 अक्टूबर की। ठीक है, आज की वर्कशीट में हम देखेंगे पहले मैथ्स और फिर देखेंगे हम अपनी साइंस की वर्कशीट। मैथ्स की जो वर्कशीट है उसके अंदर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, सरफेस एरिया वॉल्यूम। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में ही मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सरफेस एरिया वॉल्यूम के जो फॉर्मूले हैं वो कैसे याद करते हैं वो बहुत ही ईजी तरीके से समझाए गए हैं, तो आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लीज वहां पर जाके वो वीडियो जरूर देखें। आइए चलते हैं, इस वर्कशीट में क्या दे रखा है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहले दे रखा है 2D शेप्स। 2D शेप्स क्या होती हैं? वो शेप्स जो हाथ में पकड़ी नहीं जा सकती। मैं बेसिक डिफरेंस बता रहा हूँ आपको, ये आपको बुक्स में नहीं मिलेगा। 3D शेप्स क्या होती है? 3D फिगर्स क्या होती है? जिनको हाथ में पकड़ सकते हैं, जैसे कि आपका हाथ में मोबाइल को आप पकड़ सकते हो, वो 3D है। उसके अंदर 3 डायमेंशन है। कौन सी 3 डायमेंशन है? उसके पास लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट भी है, जिसको हम डेप्थ भी बोलते हैं कई बार। ओके, वेरियस 2D में, 2D को सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, एक पेपर पे बना सकते हैं, उसको आप हाथ में नहीं पकड़ सकते। जैसे कि आपके लिए हो गया एक रेक्टेंगल, ओके, या एक ट्रायंगल। अब मैंने इसको पेपर पे बनाया है, आप इसको हाथ में नहीं पकड़ सकते। चाहे आप बोलेंगे मैं पेपर को हाथ में पकड़ सकता हूँ, बेटा पेपर हाथ में पकड़ सकते हो तो वो पेपर हो गया 3D, उसकी एक शेप हो गई 3D में। उसकी हाइट चाहे बहुत ही छोटी हो लेकिन है। आगे बढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ने के लिए। द 2D फिगर्स कैन बी आइडेंटिफाई एज द फेस ऑफ 3D। अब 2D डायमेंशन की मदद से क्या बनता है? 3D बनता है। ओके, 2D मतलब अगर मैं बोलूं एक बॉक्स लेते हैं, आपके घर में बॉक्स होगा, अब उसका टॉप का हिस्सा देखें तो ऐसा दिखाई दे रहा है। ओके, बॉटम का देखें तो ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं तो आपको देखो देखो बॉक्स दिखाई दे रहा है, दे रहा। अब ये टॉप था, ये बॉटम था। अब दोनों के दोनों क्या थे? 2D थे, 2 डायमेंशन, एक लेंथ और एक ब्रेथ, लेंथ और एक ब्रेथ। तो 2 डायमेंशन के जोड़ने से 3D बनता है। ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हमें चाहिए। इस वर्कशीट में हम बस इतना देखने वाले हैं कि और कौन कौन से एग्जांपल्स हैं 3D के और क्या क्या उसके शेप आपके सराउंडिंग में दिखाई देते हैं। केयरफुली ऑब्जर्व द शेप ऑफ ईच फेस ऑफ एन एम्प्टी टूथपेस्ट बॉक्स। अगर आप टूथपेस्ट बॉक्स जैसे पेप्सोडेंट, कोलगेट या कोई और भी आप यूज करते हो, उसको अगर आप ओपन करेंगे तो वो एक्चुअली में वो क्यूबॉइड होगा, और वो कुछ आप उसका नेट अगर आप उसका ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि वो रेक्टेंगल से बना हुआ है। ठीक है, रेक्टेंगल इस तरीके से, और इधर भी होगा रेक्टेंगल, राइट साइड में भी होगा रेक्टेंगल, लेफ्ट साइड में भी होगा रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल से बना होता है उसका नेट। उसने यहाँ पे बोला राइट एनी अदर 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच। अब मुझे बताओ क्यूबॉइड आपके घर में और कहाँ दिखाई देता है? तो कहाँ कहाँ पे दिखाई दे सकता है? एक तो बॉक्स हो सकता है, ओके, बॉक्स हो सकता है, और क्या हो सकता है आप बताइए? फोन हो गया, बहुत ही इजी। तो देखो ये तो मैंने बता दिए, आपको क्या लगता है आपके हिसाब से बताएं। नेक्स्ट आता है सिलेंडर। ये जो नीचे आपको दिखाई दे रहा है सिलेंडर है। सिलेंडर में क्या होता है? ऊपर एक सर्कल है, नीचे एक सर्कल है, और एक कर्व्ड पार्ट होता है। तो पहला तो आपके सामने ये टिन का बॉक्स है, ये घी का जो बॉक्स होता है वो सिलेंडर होता है। पाउडर बॉक्स यहाँ पर दे रखा है, तो मैं इसको गैस सिलेंडर भी बोल सकता हूँ, गैस सिलेंडर। ओके, और बताइए और कहाँ दिखाई देता है? मेरे को जो पेन होता है हाथ में, मैंने जो पेन पकड़ा हुआ है वो भी लगभग सिलेंडर शेप का होता है। एंड में जो होता है वो कोन होता है। ओके, और क्या हो गया सिलेंडर शेप का? ओके, मेरे सामने मेरे जो है डंडा दिखाई दे रहा है, वायर दिखाई दे रही है, वायर। ओके, वायर भी है। वायर को अगर आप ध्यान से देखें तो वो सिलेंडर शेप की होती है, लंबी सी। और मैंने चलो 3 बता दिए, आप भी मुझे बताएं। कोन, कोन कैसा होता है? एक तो जोकर्स कैप बोलते हैं, बर्थडे कैप यहाँ पे लिखी भी हुई है, और जोकर कैप भी बोल सकते हैं हम इसको, लेकिन ये तो कैप हो गई, कैप तो हमने पहले ही यहाँ पे लिख दी गई है। और बताइए
जोकर कैप और क्या होता है, कोन के शेप में, इस शेप में फनल, ओके फनल हो गया, और क्या हो गया कोन के शेप में, सोच के बताइए। इसके बाद अगर आप देखें बॉल हो गई, क्रिकेट खेलते नहीं खेलते, बॉल हो गई उस तरीके से, बॉल तो उन्होंने दे दी। उसके अलावा इसे क्या कहते हैं, स्फेयर बोलते हैं, जो बॉल की जो शेप है उसे कहते हैं स्फेयर। तो फुटबॉल मतलब बॉल ही है सारी की सारी। और क्या हो गया, लेमन या ऑरेंज, आप और भी ऐसे ऐसी शेप दे सकते हैं जो स्फेयर की शेप में होती हैं। अगर हम इसको आधा कर दें, इस स्फेयर को, ओके, इस बॉल को अगर हम आधा कर दें तो उसे कहते हैं हेमी स्फेयर। हेमी मतलब आधा, स्फेयर तो बाउल हो गया, ओके बाउल हो गया, एक कटोरी जिसे हम कहते हैं। और क्या हो सकता है इस तरीके से, हेमी स्फेयर या टॉम हो गया, मतलब जो खासकर जैसे अगर हम ताजमहल देखें तो उसके ऊपर वो बना होता है ना, वो जो शेप होती है जो उसके ऊपर होती है टॉम की, तो वो जो शेप होती है वो हेमिस्फेयर कहलाती है। तो ये तो सारे के सारे हमने एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता दिए। आप भी हमें जरा कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कौन कौन से लगते हैं, आप खुद भी लिख सकते हैं। अब इसके बेसिस पे सरफेस एरिया हम निकालते हैं इसका, या वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अब इसके अंदर कितना पानी भर सकता है, कितना वॉल्यूम है उसके अंदर, हम उसको बोलते हैं वॉल्यूम। इसको पेंट करने में कितना लगेगा उसे कहते हैं एरिया। मैं आपसे फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप वीडियो जाके जरूर देखें, आपको ज्यादा अच्छे ढंग से वहां पर समझ में आएगा कि फॉर्मूले इस कैसे याद करने हैं। अब जल्दी से देख लेते हैं, हाफ लेमन, हाफ लेमन क्या है आपका, हेमी स्फेयर। शू बॉक्स, बॉक्स क्या होता है आप बताइए, वेरी गुड, क्यूबॉइड दे सकते हैं हम इसको। फुटबॉल, फुटबॉल क्या हो गया, स्फेयर, ओके ये हो गया, मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। डाइस, डाइस का मतलब क्या, पासा, पासा हो जाता है हमारा क्यूब, कहाँ है क्यूब, ये नीचे, सॉरी क्यूब नीचे हो गया। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट वेरी गुड, ट्यूबलाइट हो गई हमारी सिलेंडर शेप की, ये यहाँ पर आ गया। और आइसक्रीम, आइसक्रीम का जो होता है वो कोन हो गया। तो ये हमारे यहाँ पे मैच द फॉलोइंग हो गए। अगर आपको इसमें कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बहुत ही सिंपल सी वर्कशीट थी, आप भी अपने एग्जांपल लिखें। आइए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट, साइंस की वर्कशीट की तरफ। साइंस की वर्कशीट में हम पिछली क्लास में फोर्स पढ़ना स्टार्ट करा था, पिछली वर्कशीट में आज हम उसके पर लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ेंगे। खासकर आपको ये तब फीलिंग आती होगी जब आप बस में ट्रेवल करते हैं या मेट्रो में ट्रेवल करते हैं, मेट्रो अचानक से रुक जाए, अचानक से अगर मेट्रो रुक जाए तो क्या होता है, आप आगे की तरफ गिर जाते हैं, उसे कहते हैं जर्क। फील करना, जर्क का मतलब झटका, झटका लगता है नहीं लगता, या अचानक से गाड़ी स्टार्ट हो जाए तो उसे भी झटका लगता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये ऐसा क्यों होता है। ओके, वी गेट इट बाय न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, एन ऑब्जेक्ट रिमेन इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऑब्जेक्ट जो है वो रुका रहता है और इन यूनिफॉर्म मोशन, या तो चलता रहता है तब तक जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। याद है अनबैलेंस्ड फोर्स क्या थी, तो जरा कमेंट सेक्शन में बताइए, अनबैलेंस्ड फोर्स आपने पढ़ी थी क्या है वो। दिस इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। अब इसको थोड़ा बेसिक भाषा में समझाता हूँ, न्यूटन अंकल की भाषा को छोड़कर। अगर आप यहाँ पर देखें कि अचानक से बाइक वाला जो है वो एक दीवार पे जाके उसको ब्रेक मारनी पड़ गई, जब उसको अचानक से ब्रेक मारनी पड़ गई तो वो खुद आगे गिर गया, तो ये इस वजह से हो रहा है, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। आपको लगता है कि आप रुके हुए हो, लेकिन होता क्या है कि आपकी पूरी की पूरी बॉडी जो है वो बाइक के साथ मूव कर रही थी, तो अचानक से जब बाइक रुक गई लेकिन आपकी बॉडी जो है अभी भी मूवमेंट में है, वो आगे की तरफ फॉरवर्ड, तो उस वजह से क्या हुआ, बाइक तो रुक गई लेकिन आपका शरीर आगे चला गया, तो इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये आपके डेली लाइफ में बहुत जगह पे यूज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, मम्मी का अगर कारपेट अगर साफ करना है तो मम्मी उसको क्या करती है, झाड़ू से जोर जोर से या डंडे से जोर जोर से मारती है, तो उससे होता क्या है,
उसको मैं दिखाते हैं। उसमें क्या होता है कि जैसे कारपेट है स्ट्रेट, जब आपने उसको, इसके ऊपर पार्टिकल लगे हुए हैं, जब आपने इसको जोर से मारा तो ये हल्का सा पीछे चला गया और ये आगे आ गया, तो पार्टिकल जो है वो यहीं के यहीं रह जाते हैं। तो जितनी देर में ये वापस आता है अपनी ओरिजिनल स्टेट पे, पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। इस वजह से सफाई भी हो जाती है। तो लॉ ऑफ इनर्शिया बहुत जगहों पे यूज भी होता है हमारे डेली लाइफ में, हमें पता भी नहीं होता कि वो यूज हो रहा है, हम मारते हैं बस उसको। इन अ मूविंग बस एवरीथिंग इज इन मोशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको लगता है कि आप मूव नहीं कर रहे, लेकिन आप भी मूव कर रहे हो बस के साथ। द बस ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, सडनली द बस स्टॉप्स, बट अपर पार्ट ऑफ द बॉडी इज स्टिल इन मोशन, सो वी नीड टू फॉल फॉरवर्ड। तो इस वजह से क्या हो जाता है, आप आगे गिर जाते हो, दस फील जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन बस एंड बस बिगिंस टू मूव सडनली, अब अचानक से बस जो है चलने लग जाती है, तो वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड, पीछे गिर जाते हैं, और जो जर्क है वो पीछे की डायरेक्शन में आपको फील होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, इनर्शिया के बारे में इन्होंने कुछ बातें करी हैं। एवरी ऑब्जेक्ट अपोजेस द चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन, तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो, सपोज करो रुका हुआ हो, तो वो क्या करता है, वो चलने लग जाता है, क्योंकि वो बस रुक गई, आप चलने लग गए, बेसिकली आप आगे की तरफ गिर गए। या आप रुके हुए होते हो, बस अचानक से चल गई, तो क्या होता है, बस आगे चली गई, आप पीछे रह गए, इसलिए आप पीछे की तरफ गिर जाते हो। तो वो इनर्शिया कह रहा है कि ऑपोजिट होता है, अगर बस रुक रही है मतलब पीछे जा रही है, तो इसका मतलब आप आगे जा रहे हो, और बस अगर चल रही है तो आप पीछे जा रहे हो, तो ऑपोजिट डायरेक्शन होता है। इट टेंड्स टू रिमेन इन इट स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर इट्स इनर्शिया, तो मास क्या होता है, हैवियर द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जितना हैवी होता है इनर्शिया उसमें ज्यादा होता है, और लाइटर होता है तो उसका ऑब्जेक्ट का इनर्शिया जो है उसका कम होता है। जितना हैवी उसको उतना ही ज्यादा फोर्स चाहिए होता है उसको मूव करने के लिए। ये तो सिंपल सी बात है, एक बॉक्स को हिला के देखो, एक खाली बॉक्स को हिलाओगे तो आप आसानी से हिला लोगे, और एक बहुत ही भारी होगा तो उसको मुश्किल से हिलाना होगा, इनर्शिया उसका बहुत ज्यादा होगा। सम इंस्टेंसेस, यहाँ पे बहुत सारे इंस्टेंसेस दे रखे हैं। अगर आप पत्ते गिराना चाहते हो तो आप क्या करते हो, झाड़ी को हिलाते हो बहुत जोर से। तो झाड़ी को हिलाने से क्या होता है, जैसे मैंने कारपेट वाला बताया था, झाड़ी हिलती है, पत्ते रेस्ट की पोजीशन पे हो जाते हैं, तो वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं, उस वजह से पत्ते गिरने लग जाते हैं। व्हेन सेकंड पॉइंट है, व्हेन स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ व्हीकल चेंजेस, द पैसेंजर टेंड टू फॉल और फील जर्क इन बैकवर्ड और फॉरवर्ड डायरेक्शन, हम डिस्कस कर चुके हैं। सेपरेटिंग द डर्ट पार्टिकल फ्रॉम कारपेट, ये भी मैंने आपको बता दिया। तीसरा, चौथे वाले में इमेजेस बहुत ही अच्छे हैं। साइकिल वाला है, उसके आगे पत्थर आ गया तो बेचारा गिर गया, ठीक है ध्यान से चलाया करो। ये वाला जो है आप खुद भी करके देख सकते हैं, सिक्के को जो है, एक सिक्का लो, 5 का सिक्का लो, ग्लास के ऊपर कोई कार्ड रख लो, जो प्लेइंग कार्ड होता है ना पत्ते खेलने वाला, तो उसको रखो और जोर से उसको मारो, तो सिक्का जो है नीचे गिर जाएगा, सिक्का नीचे चला जाएगा, आगे नहीं जाएगा पत्ते के साथ। क्यों? क्योंकि इसका जो मोशन है, उसका जो वेट है वो नीचे की तरफ है, और कार्ड आपने आगे की तरफ भेज दिया, तो इससे पता चलता है कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट पे था। इसी तरीके से जब हम कैरम खेल रहे होते हैं तो वही होता है ना, अगर लाइन में लगा दो तो अगर प्लेयर बहुत अच्छा हो तो कॉर्नर से यूं मार सकता है उस डायरेक्शन में। तो ये तो हमने तो बहुत बार करा है, आप भी करके देखना, बहुत ही अच्छे ढंग से जाती है गोटी। आगे उन्होंने बोला है, हैमर को मार के इसमें से टाइट करने के लिए उल्टा मारा जाता है ताकि वो नीचे की तरफ गिरे। तो ये बहुत सारे एग्जांपल इन्होंने रियल लाइफ से दिए हैं। अब आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है डिफाइन इनर्शिया, तो डिफाइन इनर्शिया स्टार्टिंग में दे रखा था, आगे देख लेते हैं। द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रिजिस्ट अ चेंज स्टेट ऑफ मोशन, यहां से लेके यहां तक इनर्शिया आपका है, पहला आंसर हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू, स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद एग्जांपल। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देना है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है एन ऑब्जेक्ट से लेकर रिमेन सेम से लेकर ये फोर्स तक, ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। और इसका एग्जाम्पल, वेन
ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक सडनली अपर बॉडी पार्ट से लेकर यहां तक आप कर सकते हैं, ठीक है। ये आंसर नंबर टू हो गया। आंसर नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। आंसर नंबर थ्री है, इन विच डायरेक्शन द पैसेंजर विल फील द जर्क इफ द बस स्टार्ट मूविंग सडनली। तो किस तरह फील करेगा जर्क, फील द जर्क इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये तो हो गया इसका आंसर। अब इसका रीजन क्या लिखेंगे, ये बिकॉज ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो ये आप आंसर यहां पर लिख देंगे। आंसर नंबर फोर पे चलते हैं, विच विल हैव मोर इनर्शिया, ज्यादा इनर्शिया कहां पे होगा। देखो हमने बताया था हैवियर ऑब्जेक्ट विल हैव लार्ज इनर्शिया, ये आपने समझा था ना। तो कार हैवी है या बस हैवी, तो बस हैवी है, तो इसका आंसर बस हो गया। साइकिल हैवी है या मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल है। कार्ट हैवी है या ट्रेन, तो ट्रेन हैवी। तो आंसर आपके सामने है सारे के सारे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और आगे इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।